ना अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हो बहुत जरूरी रहता है कि भाई आप अपनी गाड़ी की जो है अलाइनमेंट और बैलेंसिंग जरूर करवाएं। फर्स्ट टाइम देखा कि रियर में भी अलाइनमेंट होती है किया, और ये मेरे फ्रंट व्हील हैं, तो ये फ्रंट व्हील जो है अभी सेट होंगे। अपने ऑफिस से ज्यादा यहाँ अटेंडेंस लगाता हूँ। अन्या पहली बार अपने घर जा रही है। Hey guys, welcome back to Rambling Boundaries. पहर के बजे हुए 2 और बड़ी मुश्किल से ऑफिस से बाहर निकला हूँ भाई। मैंने करवानी थी वहाँ पे जा करके अलाइनमेंट, यहाँ पे ना भीड़ इतनी ज्यादा है। एक और है पेट्रोल पंप के पास, तो वहाँ पे जो है अलाइनमेंट करवा करके आते हैं। Hey guys. भाई अटेंडेंस लगाने के लिए फिर से अपने क्लास में आ चुका हूँ मैं। गाड़ी में कुछ टक टक की साउंड आ रही है उस साइड से। टक टक क्या हो रहा है? दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। सुरेश भाई जी, क्या हाल चाल है इसके? टक टक किसकी हो रही थी? हाँ घर जा रहा हूँ मैं, तो लोग आपकी काबिलियत पे शक करने लग गए। नहीं तो नहीं। हुआ क्या है बताओ तो सही। नहीं हुआ है। अपने ऑफिस से ज़्यादा यहाँ अटेंडेंस लगाता हूँ। 30,000 कंप्रेसर, कंडेंसर, कूलिंग कॉइल, ये वाली कूलिंग कॉइल, पीछे वाली कूलिंग कॉइल। मैं आपको पहले बता रहा था कोई दिक्कत नहीं है, चला लो आप। नहीं नहीं, तो टक टक आ रहा था, बड़ा गंदा साउंड है। देखो अब तो ठीक है, अभी टक टक वाला साउंड जो भाई जा चुका है। पता नहीं क्या था, सुरेश भाई नीचे गए और टाइट सा किया इन्होंने, कुछ बताया इन्होंने कुछ है नहीं मुझे कि भाई क्या खराब था क्या नहीं था। बोलते कोई चीज़ लग रही थी वहाँ पे। तो भाई ये है कि भाई कहीं भी जा रहा हो ना तो इनके पास हाजिरी लगाना मैंडेटरी है। फिलहाल यहाँ पे एक लगी हुई गाड़ी, इसके काम कंप्लीट हो चुका है और दूसरी इसका होगा, फिर आएगा मेरी गाड़ी का नंबर। अपनी गाड़ी को जो है पीछे कर लेते हैं। यहाँ से सिग्नल जाता है सीधा यहाँ पे, तो ये क्या करती है भाई, अलाइन करती है गाड़ी के टायर्स को। तो मेरा राइट साइड वाला जो है ज्यादा आउट था। अच्छा हो मैं अभी अलाइनमेंट जो है प्रॉपर चेकअप करवा रहा हूँ गाड़ी का। रियर भी आउट है मेरा। रियर में भी होता है इसके? बिल्कुल। तो मेरा रियर भी आउट है भाई, फ्रंट तो आउट ही है। तो अभी दोनों साइड की अलाइनमेंट जो सेट होगी। तो भाई मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि रियर में भी अलाइनमेंट होती है, तो भाई रियर की अलाइनमेंट करने जा रहे हैं भैया। ये हो गया कैम्बर। तो भाई ये फायदा रहता है अगर आप अपनी गाड़ी की जो है अलाइनमेंट प्रॉपरली करवाते रहो। तो कैम्बर इसका आउट था, अभी ये भी सेट होने जा रहा है। अच्छा ये रही इसकी अलाइनमेंट, पहली बार देख रहा हूँ मैं। कैम्बर आउट था, यहाँ से अलाइनमेंट सेट हो रही है। ये है वो पीछे वाला टायर, वहाँ पे काम कर रहे हैं भैया। कैम्बर और अलाइनमेंट जो है रियर टायर की मेरी सेट हो रही है। तो ये सेट आ चुकी है, इस साइड वाली सेट आनी बाकी है, और ये मेरे फ्रंट व्हील हैं, तो ये फ्रंट व्हील जो है अभी सेट होंगे। फिलहाल अभी रियर का काम मेरा चला हुआ है गाड़ी का, तो रियर ऑलमोस्ट जो है सेट हो चुका है। क्योंकि ये भाई काफ़ी टाइम से मैंने अलाइनमेंट नहीं कराई थी, तो इसके साइड इफेक्ट ये निकल के आते हैं कि अगर मैं फिर से लॉन्ग ड्राइव करता ना तो मेरे टायर जो है ये बहुत ज़्यादा खा जाती है, मतलब घिस जाते हैं मेरे टायर जो हैं गाड़ी के। जब भी आपकी गाड़ी 8,000 से 10,000 किलोमीटर चले तो उसकी अलाइनमेंट एक बार जरूर करवा लें। अगर उबड़ खाबड़ खड्डों में अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो ना अपनी गाड़ी को, तो तकरीबन 2,500 या 5,000 के बीच जो है भाई मैंडेटरी होती है अपनी गाड़ी की अलाइनमेंट करवाना। चीज़ बहुत मेजर होती है ना, अगर आप पहाड़ों पर जा रहे हो तो बहुत ज़रूरी रहता है कि भाई आप अपनी गाड़ी की जो है अलाइनमेंट और बैलेंसिंग ज़रूर करवाएं एक बार। तो भैया ने भाई सीट देखो कितनी आगे कर दी है। बस अब एक गाड़ी में एक काम पेंडिंग था, वो भी कंप्लीट हो चुका है। और गाड़ी का भाई मैंने मैट वगैरह कुछ नहीं डलवाए, मैट डलवाएंगे बाद में, क्योंकि अभी दूल्हे की शेरवानी लेनी है जा करके मैंने, नहीं तो उसके बिना दूल्हा कैसे जाएगा भाई शादी करने के लिए। और मैंने अभी लंच नहीं किया है, तो लंच देखते हैं भी कहाँ करते हैं। भाई रुक जा। तो भाई अब जो है सेटिस्फेक्शन मिली है गाड़ी को ठीक करवा करके, एसी सेट करवा करके, अलाइनमेंट ठीक करवा करके, और जो कट कट का साउंड आ रहा था वो भी अभी सेट हो चुका है। तो भाई प्रॉब्लम्स थी बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी हुआ है, बट अभी ये कि एट द एंड ऑफ स्टोरी कि गाड़ी को चलाने का मज़ा अलग ही आ रहा है। शीशे खुले रखे हैं बंदे ने, सेम मेरी स्टोरी भाई। पर इको में आई थिंक एसी होता है, पर है यार इको में एसी होता है,
बट भाई बंदे ने गाड़ी का शीशे खुले रखे और मैं एक फीलिंग जानता हूँ भाई क्या रहती है बाहर से गर्म हवा और अंदर हालत खराब। और अगर बाहर ज्यादा गर्मी हो और आपका फोन ज्यादा गर्म हो रहा हो ना तो आप अपने फोन को जो है यहाँ डाल दो भाई। इतना अच्छा चिल्ड हो रखा ना ये मस्त एकदम। इस पे हम अपनी पानी की बोतल वगैरह छोटी जो पानी की बोतल है उसको डाल सकते हैं और यहाँ पे आराम से इसको ठंडा रख सकते हैं। तो भाई कूलिंग के अपने फायदे। तो फाइनली भाई हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 19 और वहां पे पालिका बाजार। तो खाने का देखते हैं क्या खाना है, अभी भूख बहुत तेज हो रखी है भाई। और भाई फोन अल्टीमेट ठंडा हो रखा है। 3:03 हो चुके हैं अभी। बादल तो है और धूप आज बहुत जबरदस्त है। ये रहा दूल्हे का शेरवानी। यहाँ पे भाई मुझे 1 घंटा हो गया। सामान देख रहे हो ना, मेरे कजन ने घड़ी मंगवाई थी तो उसको लेने के लिए काफी ज्यादा टाइम लग गया। इसको सेट करवा रहे थे, छोटे मोटे सामान है जो कि बाय कर रहा था मैं और हो गए लेट। हे गाइस गुड मॉर्निंग। 6 बजने वाले भाई, सोचा था 4 बजे यहाँ से निकल जाएंगे बट 4 बजे उठना हो नहीं पाया क्योंकि रात को कभी लाइट आ रही थी कभी जा रही थी। तो आज जो है चंडीगढ़ में 2 घंटे का कट लगा है कंटिन्यू। अन्या पहली बार अपने घर जा रही है, देखा सुस्ती देखो कैसा लग रहा है आप घर जा रहे हो। अच्छा ओ गुड। मैं जाता था रोपड़ वाली साइड से और आज हमने लिया है बद्दी वाला हाईवे पे। और भाई यहाँ पे ना नीचे वाली साइड है नदी तो यहाँ पे पूरी फॉग आ रखी है। तो भाई सुबह सुबह का टाइम है और फिलहाल हम पहुँच गए हैं बद्दी नालागढ़ में। और भाई यहाँ पे देखो जहाँ पे मैंने गाड़ी रोकी है ना यहाँ पे पूरी ओस गिरी हुई है। थोड़ा सा मैंने उसको इधर उधर टहला दिया। फर्स्ट टाइम जो है आने अपने घर जा रही है, बीच में हो सकता है क्या पता उसको कराया या कुछ भी हो, तो हमें ऐसा कुछ भी पता ही नहीं है। पहाड़ फर्स्ट टाइम देखे, परांठा जो ढाबे में आकर के परांठा फर्स्ट टाइम है। तो अन्य साथ इसी चीज़ एनालाइज कर रही है कि भाई कहाँ क्या हो रहा है। अभी जो है अन्य थोड़ी सी पड़ी हो जाएगी तो मैं अन्य को अपने साथ ट्रैवल किया करवाया करूँगा, तो ट्रैकिंग और ट्रैवल हम दोनों किया। ओए अन्य ओए ये नहीं खाना बेटा। हेलो हेलो डुगू चलो चले। तो अभी अपना ब्रेकफास्ट जो है भाई कंप्लीट हो चुका है, परांठा और एक चाय। को पायलट की सीट अभी अन्या की है तो अन्या इसे बैठा करेगी। अभी हम घाघर से थोड़ा सा आगे पहुंचे और अन्या ना रोना स्टार्ट कर दिया था और अभी ना अन्या को फेवरेट टॉय दिया निकाल करके और अन्या की खुशी का ठिकाना नहीं है। अन्ना बस बातें कर रही है उससे अच्छे से। अभी हम फिलहाल पहुंच चुके हैं अपने घर, मिलवाते हैं आपको भाई पापा जी। बस पापा जी काम कर कर के थक चुके हैं। वो देखो कपड़ों का क्या हाल किया। हेलो संदेश दादा जी। ओ ये चाचू दूजा चाचू भी मिलना सब अन्या जन्नत तो भाई इसी गाड़ी में। घर पहुंचने के बाद ना सबसे पहले हमने खाना वगैरह अपना कंप्लीट किया। खाना वगैरह कंप्लीट करने के बाद भाई पूरी लिस्ट जो तैयार थी कि किसने कहाँ जाना है तो आपको पता नहीं तो बता दूँ मैं भैया। शादी की तैयारियां हो रही हैं और कल से हमारे घर पे फंक्शन स्टार्ट है तो घर जाते ही खाना वगैरह खाने के बाद जल्दी से अपनी लिस्टें तैयार हुई और सब में डिवाइड हो गई और सारे अपने अपने काम पे डट गए। और अभी मैं आया था भोजपुर मार्केट में और सामान वगैरह बाय किया यहाँ से। अभी छोटा मोटा सामान है जो कि मैंने बाय करना है तो भाई वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा क्योंकि जल्दी जल्दी भागा दौड़ी हो रही है कि ब्लॉग का मैं यही पेंट करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ क्योंकि भाई कल से फंक्शन है घर पे और आपको दिखाता हूँ कि हमारे घर में कैसे फंक्शन रहते हैं। अलाइनमेंट के साथ साथ भाई मैंने ब्लॉग को यहाँ तक पहुँचा दिया। गाड़ी की अलाइनमेंट जो है भाई फिलहाल ओके, हर एक काम मेरा टिप टॉप है तो कल से दिखाते हैं कि कल हमारे घर में क्या फंक्शन रहता है। इसी के साथ आज की वीडियो का यही पेंट करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग रैम्बलिंग बाउंड्रीज। जय हिंद।